नमस्कार दोस्तों, शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। बिना किसी शारीरिक गतिविधि में शामिल होकर खुद को स्वस्थ रख पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में व्यायाम ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक हिस्से को न सिर्फ लचीला बनाता है बल्कि शरीर में मेटाबॉलिज्म के स्तर में सुधार करने से लेकर खून बढ़ाने में भी मदद करता है। लेकिन व्यायाम करने का भी सही तरीका होता है। व्यायाम से पहले वार्म अप करना जरूरी है ताकि शरीर में लचीलापन बना रहे। वार्म अप करना व्यायाम का ही हिस्सा है। एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करने से मसल्स में खून के बहाव को बढ़ता है। वार्म अप करने से आपकी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं और मांसपेशियों में खिंचाव आने का खतरा कम हो जाता है। अब वार्म अप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कार्डियो एक्सरसाइज, डायनेमिक वार्म अप, स्क्वाट, प्लैंक आदि कर सकते हैं। लेकिन वार्म अप के तौर पर यदि पुशअप्स लगाए जाएं तो इसकी आपकी बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी ऊर्जा मिलती है। तो आइए जानते हैं वार्म अप के तौर पर पुशअप्स लगाने के फायदे। सबसे पहले मांसपेशियों में मजबूती आती है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिहाज से पुशअप को काफ़ी कारगर माना जाता है। वार्म अप के तौर पर इसे करने से आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसे करने से न सिर्फ कंधों बल्कि भुजाओं में भी बल और मजबूती आती है। इसे करने के दौरान आपके हाथों पर अधिक बल आता है जिससे हाथों की मांसपेशियाँ ज़्यादा मजबूत होती हैं। पुशअप के साथ एक्सरसाइज की शुरुआत करने पर बॉडी में चोट लगने की आशंका भी कम हो जाती है। दूसरा, लोअर बैक पेन दूर होता है। पुशअप्स आपके निचले हिस्से को मजबूत बनाने में भी कारगर है। एक शोध के अनुसार पुशअप करने से मांसपेशियों में मजबूती आने के साथ ही कमर के निचले हिस्से की जकड़न और दर्द दूर होता है। नियमित रूप से पुशअप करने से कमर की पुरानी जकड़न भी दूर हो जाती है। लेकिन आप पहले से ही स्पाइन या फिर किसी हड्डियों से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो इसे ना करें। कार्डियक डिजीज से बचाओ। कार्डियक डिजीज यानी दिल से संबंधित बीमारियाँ। रोजाना 15 से 20 पुशअप्स करने से आपके दिल की बीमारियाँ होने की संभावना कम हो जाती है। एक शोध में सामने आया है कि दिन भर में 40 या उससे ऊपर पुशअप लगाए जाने पर 96% तक दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इस एक्सरसाइज के दौरान हृदय को टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने में अधिक बल लगता है जो आपके दिल को स्वस्थ बनाता है। हृदय रोगों से बचने के लिए बेहद कारगर है। चौथा, लचीलापन आता है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए वार्म अप के तौर पर पुशअप्स लगाना आपका स्टेमिना बढ़ाता है। 15 से 20 पुशअप लगाने मात्र से ही शरीर में रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है और मसल्स एक्टिव होने लगती हैं। इस दौरान आप एक्सरसाइज के लिए खुद को पहले की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जावान पाते हैं। बात करें शरीर की लचीलापन की तो इसे करने के साथ ही आपका पूरा शरीर लचीला बनता है। पोस्चर में भी सुधार करने के साथ साथ ये आपके बैक में भी लचीलापन लाता है। पाँचवा, वजन कम करने में असरदार। पुशअप को फैट बर्निंग एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। इसे रोजाना करने से शरीर का फैट आसानी से कम हो जाता है। पुशअप आपके शरीर से कैलोरी काफ़ी तेजी से बर्न करता है। यह आपके पेट के आसपास के एक्स्ट्रा चर्बी को भी कम करने में सहायक होता है। नियमितता के साथ इसे करने से बॉडी की शेप में सुधार होने के साथ ही आपकी मसल्स कोर होती है। इससे आपकी चेस्ट के आसपास की चर्बी पर भी दबाव पड़ता है जिससे चेस्ट की चर्बी कम होने के साथ ही उसे सही आकार भी मिलता है। छठा, टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। ये पुरुषों में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन है। अक्सर जिम जाने वाले या फिर बॉडी बिल्डिंग करने वालों में इस हार्मोन की आवश्यकता होती है। इस हार्मोन के बढ़ने से हड्डियाँ मजबूत होती है, साथ ही शरीर में एक्सरसाइज करने के लिए अधिक ऊर्जा आती है और सेक्स संबंधी समस्या भी कम होती है। पैरों से जुड़ी एक्सरसाइज करने से भी शरीर में इस हार्मोन का स्तर बढ़ता है। इस हार्मोन को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से वर्कआउट या पुशअप करने आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। जरूरी सूचना, रोजाना वार्म अप के तौर पर पुशअप करने से आपको इस वीडियो में बताए गए सभी फायदे मिलते हैं, इसलिए एक्सरसाइज के लिए खुद को तैयार करने के लिए पुशअप जरूर करें। यदि आप स्पाइन या फिर हड्डी की किसी अन्य समस्या से पीड़ित हैं तो चिकित्सा की सलाह के बाद ही इसे करें।